हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आयुर्वेद के हिसाब से पेड़ पौधे जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं और अगर किसी को इनका पता हो तो और सही तरीके से उसको यूज करें तो बहुत फायदे भी होते हैं। हमारी किचन में ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अगर सही तरीके से यूज करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कई चीजें हैं, मैं बात करूं हल्दी की, बहुत गुणकारी होती है, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। धनिया, जीरा, मिर्ची, सब चीजों का फायदा है। सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए उसको कब और कैसे यूज करना है, तब हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आज मैं एक ऐसे ही मसाले की बात कर रही हूँ आपके साथ जो हम यूज करते हैं लेकिन सिर्फ फ्लेवर के लिए। अगर उसको हम यूज करें एज अ मेडिसिन, हमें यूज करना हो तब उसको कैसे यूज करें। काली मिर्च के अंदर एक कंपाउंड है पेपरिन जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को ठीक करने में हमारी मदद कर सकता है। परेशानियां अगर मैं बात करूं कफ की, कोल्ड की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, खट्टी डकारे आना, बदहजमी, पेट फूलना, इन सब चीजों में काली मिर्च बहुत फायदा कर सकती है। बस उसको खाने का तरीका हर एक के लिए अलग है। ये इतनी फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ढेरों सारे मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, क्रोमियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और सब जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है बस उस तरीके से उसको खा लो और हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इसको हमें अगर कफ एंड कोल्ड है तो कैसे खाएं, अगर हमें एसिडिटी है तो कैसे खाएं, या कौन सी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे खाएं। पहले हम बात करते हैं कफ एंड कोल्ड। किसी को बहुत जल्दी जल्दी खांसी और जुकाम हो जाता है, जरा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि कफ एंड कोल्ड हो गया, जरा सी बारिश आई फिर से खांसी जुकाम हो गया। तो ऐसी परसिस्टेंस कंडीशन किसी की अगर है कि बार बार उसको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, अगर वो काली मिर्च को एक से स्टार्ट करे और हर दिन एक एक बढ़ाते हुए 15 दिन तक खाए, यानी कि पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, और इस तरीके से 15वें दिन यानी 15th डे पे 15 काली मिर्च खाई जाए, 15 और 16 डे पे दोनों दिन 15 मिर्च, और 16 से फिर एक एक करके कम करना शुरू करें, 14, 13, 12 इस तरीके से, और 1 पर आके खत्म करें, यानी कि एक महीना इस तरीके से अगर काली मिर्च खाई जाती है तो ये बार बार जो मौसम चेंज से या जो एलर्जी होती है, जो बार बार कफ एंड कोल्ड होता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। वैसे अगर खांसी हो गई है कि अचानक ऐसा कुछ खट्टा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया, बहुत ठंडा खा लिया और खांसी हो गई, ऐसी खांसी के लिए अगर 4 से 5 काली मिर्च के दानों को पीस के 1/2 टीस्पून हनी यानी के शहद के साथ उसका एक मिक्सचर बनाया जाए और उसको दिन में 2 बार 3 बार ऐसे चाट के खाया जाए, लिक किया जाए, तो खांसी से छुटकारा मिल सकता है। वो खांसी और उसकी वजह से जो गले में प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। अगर किसी को सूखी खांसी है, कफ नहीं है लेकिन खांसी है, जैसे आजकल जो ये पेंडेमिक में चला हुआ है कि बार बार लगातार खांसी होती रहती है, कफ नहीं है बट खांसी की धसक जिसको बोलते हैं वो होती रहती है, ऐसी कंडीशन में अगर 4 या 5 काली मिर्च को 10-12 किशमिश के साथ चबा के खाया जाए और धीरे धीरे चबा के खाया जाए तो जो वो सलाइवा के साथ मिक्स होके उसका जूस अंदर जाएगा तो वो उस खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। अगर गला बैठ जाए, कभी कभी होता है कि किसी कारण से, जैसे बर्फ का ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही, कफ हुआ था लेकिन उसके बाद गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही, घर घर की आवाज आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर काली मिर्च हर बार जब हमें खानी है तो काली मिर्च 4 या 5 ही, एक बार की एक डोज के लिए सिर्फ 4 या 5 काली मिर्च लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, उतनी ही मिश्री के साथ पीस लिया जाए और उसे घी में मिला के खाया जाए तो जो गला बैठ जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती है, वो आवाज ठीक हो जाती है, गला ठीक होना शुरू होता है और गले में रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत आराम मिलता है। अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है,
क्योंकि जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें लंग्स की प्रॉब्लम जरूर होती है, लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस छोटी छोटी सांस आती है, सांस खिंच के आती है और चेस्ट में लंग्स में पेन होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में 4-5 काली मिर्च कूट के और इतनी ही पुदीने की पत्ती लेके उनको पानी में बॉईल किया जाए, पानी जब आधा रह जाए तो उस काढ़े को, वो काढ़ा बन जाता है, उस काढ़े को सिप सिप करके पिया जाए तो लंग इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, सही हो जाता है। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कुछ भी खाया फिर गैस बन गई, फिर पेट में दर्द हो गया, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए 1 कप पानी में 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक डाल के अगर उसको पिया जाए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी को वॉमिट जैसा फील होता है, कंटिन्यूसली वो फीलिंग आती है कि वॉमिट होगी 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 और होती नहीं है, या किसी को बार बार लूज मोशन का फीलिंग होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और उतना ही हींग का पाउडर मिला के उसका एक एक मिक्सचर तैयार कर लें और उसको अगर एक एक चुटकी, 1 पिंच ऑफ द मिक्सचर अगर खाया जाता है तो ये दोनों प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। 1-1 घंटे के बाद उसको थोड़ा सा लें और फिर मुंह में रख लें तो वॉमिट की फीलिंग या लूज मोशन की फीलिंग, इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी को पेट में कीड़े हो गए हैं, हो जाते हैं बच्चों के कई बार ज्यादा मीठा खाने से हो जाते हैं, बड़ों के भी हो जाते हैं, अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो छाछ यानी कि लस्सी, 1 गिलास लस्सी में 4-5 काली मिर्च का, मतलब 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला जाए, हल्का सा काला नमक डाला जाए और उसको दिन में 2 बार पिया जाए तो पेट के कीड़ों से भी छुटकारा मिल सकता है, और अगर खाली पेट इसे पिए तो और जल्दी ये इफेक्ट करता है। अगर किसी को बदहजमी का प्रॉब्लम है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन रहती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, सब यहां तक भरा भरा सा लगता है, ऐसी कंडीशन में 1/2 नींबू लें और उसको हल्का सा गर्म कर लें, गैस के ऊपर हल्का सा नींबू को गर्म कर लें और उसके ऊपर कटे हुए पोर्शन पर काली मिर्च और काला नमक दोनों चीज डाल के धीरे धीरे करके लिक करने से बदहजमी दूर होती है, खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं और मुंह का जो टेस्ट खराब हो गया होता है वो भी ठीक हो जाता है। कईयों को होता है ट्रैवल करते टाइम वॉमिट शुरू हो जाती है, किसी को बस में होता है, किसी को गाड़ी में, मेरी ग्रैंड डॉटर को तो कार में भी होता है और मुझे ट्रेन में होता था। अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है यानी कि ट्रैवल सिकनेस की, जब ट्रैवल करेंगे तो वॉमिट होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को है उसमें भी नींबू के ऊपर काली मिर्च और काला नमक डाल के उसको बार बार चाटते रहने से, बार बार उसका जूस पीते रहने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आप कितना भी लंबा सफर कर सकते हैं और रास्ते में वॉमिट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टोटका है जो मैंने अपनाया हुआ है, अपने अपने ऊपर भी अपनाया हुआ है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर भी अपनाया हुआ है। अगर मेमोरी शार्प करनी है, दिमाग तेज करना है, भूल हल्का फुल्का भूलने की आदत हो गई है, उस आदत से छुटकारा पाना है, या चाहते हैं कि हम बड़े होने तक कभी भी हमें ये प्रॉब्लम ना आए क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ना आए तो काली मिर्च और शहद का सेवन करने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, होगी नहीं, और अगर किसी को है तो धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। बच्चों को भी अगर ये दिया जाए तो उनकी मेमोरी शार्प होती है, और बच्चों को अगर देना है तो आप 5 काली मिर्च 5 बादाम अच्छे से उसको पीस लें, अच्छे से पीस लें, बारीक पाउडर बना के उसको हनी में मिक्स कर लें और वो मिक्सचर बच्चे को दिन में 2 बार दें तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये आयुर्वेदिक तरीके हैं, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि मैंने ही कहीं से खोज की है या किसी और ने खोज की है, क्योंकि आयुर्वेद में जो चीजें होती है मैं बताऊंगी तब भी वही है, कोई दूसरा बताएगा तब भी उसका रिजल्ट तो वही है क्योंकि वो आयुर्वेदिक चीजें हैं। हाँ, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। तो आई होप ये जानकारी जो मैंने देने की कोशिश की है ये आपके काम आएगी, आप इन्हें अपना के देखेंगे, इसी तरीके से अपना के देखेंगे। प्लीज ये मत कहना कि इसमें ये और मिला लें और वो और मिला लें, क्योंकि मिलाने को हम कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन जो रेमेडीज बताई जाती हैं वो उसी तरीके से अगर खाई जाए तो ज्यादा फायदा करती हैं। तो आप इन्हें अपना के देखिए,
अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एलोपैथिक दवाई तो है नहीं कि खाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो फायदा ही फायदा करेगी। अगर किसी को फायदा नहीं भी होता है, बाई चांस 1% नहीं भी होता है, तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसको अपनाने में, आजमाने में कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। आप इसे आजमा के देखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और हाँ, साथ साथ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि वो चैनल आपकी मदद से ही आगे बढ़ सकता है। उसे भी आगे बढ़ाइए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।